इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नागपुर इकाई ने मणिपुर हिंसा के विरोध मोमिनपुरा मोहम्मद अली रोड पर बहुत विशाल पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर डल मार्च निकालकर भारत सरकार से सभी लोगों ने मांग की कि मणिपुर में सरकार तुरंत बर्खास्त करे। वक्ताओं ने अपने भाषण में कहा कि पिछले लगभग 80 दिनों से मणिपुर से हिंसा का तांडव कई महीने जारी है। लोगों के घरों को आग लगा रहे हैं, हत्याएं हो रही है और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। रोजगार बंद रहे हैं, लोग गांव और शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। राज्य में अमन व शांति नहीं है। मणिपुर सरकार हालात को काबू करने में नाकाम है, इसी कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिकारी, कार्यकर्ता, सभी समाज के नामी गिरामी, सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। प्रोटेस्ट में शहर के युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आज मणिपुर जल रहा है। कम से कम मणिपुर के अंदर 5,000 मकान जलाए दिए गए हैं और तकरीबन 6,000 लोगों ने अपने घर बाहर छोड़कर महफूज जगह पर पलायन कर लिया है। मणिपुर के अंदर औरतों को बरेना करके इज्जत लूटी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि फैसिलिटीज और अधिकारों के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर मणिपुर को दंगे के हवाले कर दिया गया है। मैत्री अपना वर्चस्व चाहते हैं, कुकीज अपनी फैसिलिटीज चाहते हैं और मैं एक बात बता दूं कि ये भारत सरकार की उन शक्तियों का बोया हुआ फल है जो 99 साल से देश को जात पात, नफरत, धर्म। हम हिंदुस्तान के संविधान का पालन करने वाली एक समाज सुधार कमेटी, एक इलेक्टेड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हमारे कायदे से हमने सीखा है कि इस देश के कानून का पालन करना ये हमारा पहला मकसद है। आज मणिपुर में जो भी हो रहा है वो दुनिया के सामने है। यूनाइटेड नेशन आवाज उठ सकती है लेकिन भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने गहरी नींद सोए हुए हैं कि उसके ऊपर में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। विपक्ष कहता है तो विपक्ष को ये कह रहे हैं कि इसके अंदर में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।